भाजपा यूनियन को मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी और यहां बुलाया, बोलने का मौका दिया। जो सारे भाइयों ने अपनी अपनी बातें रखी, मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क है आज यहां बोलना, क्योंकि तो मैं जो बोलूंगा हो सकता है किसी को कुछ बुरा लगे तो माफी चाहता हूं, क्योंकि जो 11 साल की लाइफ में कैंपस की जो मैंने फील किया है वो मैं बताऊंगा, वो शेयर करूंगा। उस वक्त के साथी हमारे जरार भाई यहाँ मौजूद हैं और वाहन के तौर पे जब मैं कैंपस में आया तो जिया साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त से ये दो लोग अभी हैं जो जिनसे मेरी पहले रब्ता हुआ और यहाँ पर हम लोग आए। सबने अपनी अपनी बात रखी। सबसे पहले तो मैं इस तलबा यूनियन और इंतजामिया की जो कमेटी है उसको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक रिवायत शुरू की कि जो गुज़िश्ता तलबा यूनियन यहाँ के रहे उनको बुलाया, मधु किया यहाँ। हम अलीगढ़ जामिया और जेएनयू की बात करते हैं, हम अपने कायद को नहीं बुलाएंगे जो यहाँ से निकल के गए, जो जीत कर गए, हम उनको इज्जत नहीं देंगे तो कौन देगा? आपने कभी इसके बारे में नहीं सोचा? इस तलबा यूनियन और इस इंतजामिया ने, ये जो एडवाइजरी कमेटी ने ये सोचा, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेरे करीब ये वही लोग हैं कि जिन्होंने ये मौका दिया। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरों से सीखते हैं, हमारे साथ हम सुनते हैं, सुन के उसको अमल नहीं करते हैं। अब हम जी ने कहा कि गांव में उर्दू यूनिवर्सिटी को कोई जानने वाला नहीं है, ये गलत है। अगर वो ये नहीं हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है, हम फेल है वहाँ। अगर उर्दू यूनिवर्सिटी को हम अपने इलाके में नहीं बता पाए, अपने गांव, अपने इलाके, अपने जिले में अगर उर्दू यूनिवर्सिटी की पहचान नहीं बना पाए यहाँ से पढ़ने के बाद, तो हम फेल है। हमें अगर एक यूनिवर्सिटी की एक तालीमी इदारे की रूह और तलबा कहे जाते हैं, तलबा कहे जाते हैं, तो उसके साथ ही वो अगर की इंतजामिया और असाज़ा उस इदारे के जिस्म होते हैं और दोनों को मिलकर ही तरक्की के लिए काम करना होता है। जब दोनों जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे वो इदारा तरक्की नहीं कर सकता। तो असाज़ा यहाँ पर, मैं अलीगढ़ में भी पढ़ा और यहाँ भी पढ़ा और अब पढ़ा भी रहा हूँ, तो एक चीज मैं ये बता दूं अपने एक्सपीरियंस से कि जो यहाँ के तलबा हैं, वो यहाँ के जो असाज़ा हैं, वो तलबा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जब जरूरत होती है आपको, आप बुलाते हैं और वो आपके साथ खड़े रहते हैं। इंतजामिया की जो बात है, जो ये टॉपिक हमें मिला है सोशल एक्टिविज्म की, सोशल एक्टिविज्म किस लिए किया जाता है? सोशल रिफॉर्म के लिए, सामाजिक तब्दीली के लिए। सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से तब्दीली नहीं आती, हमें उसके लिए कुछ ग्राउंड पे काम करने होते हैं। हम ये सीएनआरसी प्रोटेस्ट की बात करते हैं कि सीएनआरसी प्रोटेस्ट से मानू का अगर नाम रोशन हुआ तो मेरे करीब वो नहीं है। मेरे करीब वो है कि दरभंगा कैंपस का, जब बिहार के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में वहाँ के तलबा की तारीफ की और कहा कि वहाँ के बच्चों का जो मॉडल है, जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे मॉडल है, वो मेरे करीब है कि वहाँ के तलबा के सीएम एक प्रदेश का सीएम हो सकते हैं। मेरे करीब वो बात है। आपको ये चीज सोचनी होगी कि हम जो कर रहे हैं हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी इदारे हैं, इदारा जब हम लोग आए थे सिर्फ एमए कोर्स था, दो हॉस्टल था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 हॉस्टल हो गए हैं। दो बॉयज हॉस्टल था, एक गर्ल्स हॉस्टल था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 हॉस्टल हो गए हैं। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी बढ़ रही है। हम यूनिवर्सिटी का जो ये सिक्योरिटी जो स्पेस की बात है, मैं इसको नहीं मानता। आज हिंदुस्तान में अलग अलग इदारों में बड़े बड़े जिनकी आप नाम ले रहे हैं, वहाँ तलबा यूनियन के इंतखाबात ज्यादातर यूनिवर्सिटियों में नहीं हो रहे हैं। हमारी इंतजामिया, हम सब इंतजामिया का उनका मुबारकबाद पेश करते हैं, उनके शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपना तलबा यूनियन का इंतखाबात कराते हैं और उसके बाद ये प्रोग्राम भी करा रहे हैं। पहली बार है कि तलबा यूनियन को इतना बड़ा बजट दिया गया है जश्न बहारा के लिए। हमारे टाइम में 1 से 1.5 लाख रुपये मिलते थे, धीरे धीरे वो बढ़े, दौर का दौर आया और बढ़ता गया। तो इंतजामिया ने आपको स्पेस दी, कल्चरल एक्टिविटी सेंटर का जो कायम हुआ, पहले सुन लीजिए कि जो सच्चाई है उसको मानिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से कुछ नहीं होगा। आपको पहले तालीम पर अपने फोकस करने पड़ेगा और साथ एक्टिविटी पर जो सीएससी का यहाँ कायम हुआ, यहाँ के लड़के गए साउथ जोन में, सेंट्रल जोन में पार्टिसिपेट किया और जीत कराए, उन्होंने एक्टिविज्म का वहाँ परचम मानों का बुलंद किया, वो आपको करने की जरूरत है। जो इंतजामिया यहाँ आपको स्पेस दे रही है, उस स्पेस को किस तरह पूरा करना है वो आपको देखना होगा। आप अपनी
आप सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करके नहीं, आपको पढ़ाई भी करनी होगी, आपको ये सारी चीजें सोचनी होगी। जब एक्टिविज्म की बात होगी तो एक्टिविज्म किस तरह से किया जाए कि हमारे अपनी लाइफ में वो बदलाव हो और हम जो करके जाए हमारी आने वाली नस्लों के लिए आसानी हो, ये हमें चीज सोचनी पड़ेगी। हमें अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, तभी कोई बदलाव हो सकता है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इस लास्ट खत्म करता हूँ। उठकी बजमे जहाँ का और भी अंदाज है, उठकी बजमे जहाँ का और भी अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे ही कौन ताकत है।